अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में और हमारे शो में खुशामदीद आप लोगों को बहुत बहुत। और आपको पता है कि शो का फॉर्मेट क्या होता है। इस शो में आप हमें लाइव कॉल करते हैं जिसके लिए नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस पर आप हमें लाइव कॉल कीजिए और हमारे एस्ट्रोलॉजर जो स्टोन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, इनसे आप पता करते हैं अपने बर्थ स्टोन के बारे में, उसके रेमेडीज के बारे में और जो कुछ भी पता करना चाहते हैं वो सब कुछ पता करते हैं। लेकिन ये कि फौरन चलना चाहिए, इस वक्त जो स्टोन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह, वन एंड ओनली अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम सबीन, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं आपकी। आजकल कौन मुखबरी कर रहा है कि जो पर्पल कलर लाइलेक कलर मैं पहनूंगी वो भी आप पहनेंगे, लास्ट भी यही हुआ है उससे पहले भी यही हुआ, ये कौन है? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है और यकीनन कोई ना कोई इसमें शायद हवा एक दूसरे को हवा बताए। वो बड़ी जबरदस्त बात की, हवा सरगोशियां से करती हुई गुजर रही है, बहुत खूब जबरदस्त। वेलकम बाबा, हमें लाइव कॉल कीजिए, आपकी कॉल के बड़े शिद्दत से हम मुंतजर होते हैं क्योंकि जी आपकी कॉल्स के जरिए जो है बिल्कुल जान होती है शो की, आपकी कॉल्स जो है। और व्यूअर आप लाइव कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन डिस्प्ले पे जो है आपके नंबर आ रहा होगा, इसके अलावा तबस्सुम कॉल कर सकते हैं। आपको मेलिंग आईडी भी एक नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, इस मेलिंग आईडी पे जो है अली को आप मेल भेज सकते हैं और इसके साथ FB यानी फेसबुक भी होगा, तो फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहते हैं अरे भाई ज्वाइन भी तो कर लो आप फेसबुक पे हम लोगों को। और ये कि जब भी आप मेल भेजें और मेल में अपना कोई मसला भेजें, कोई भी चीज़, या अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो काइंडली जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मैंशन करा करें ताकि कि हम आपसे रब्ता कर सकें फौरी तौर पर। और अली क्या चल रहा है कराची में, तो आ गई बरसात? वेल मौसम अच्छा हुआ है माशाल्लाह, कल से इंजॉय कर रहे हैं और ज़ाहिर है जब मौसम कराची का अच्छा हो और हल्की हल्की भीनी भीनी सी माशाल्लाह कहते हैं ना कि इसमें बारिश की जिसे हम कहते हैं, हल्की हल्की तो समझ में आता है, भीनी भीनी कौन सी बारिश होती है? मतलब इसमें बहुत ही कुदरत की तरह से रहमत की जिसे हम कहते हैं बारिश, और शाम की बारिश, और बहुत ही माशाल्लाह समेट नहीं पा रहे, अब आप समेट नहीं पा रहे। अच्छा कॉलर है हमारे साथ, अच्छा जी कॉलर है हमारे साथ, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी साजिदा बात कर रही हूँ कराची से। जी साजिदा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल दुआएं साजिदा। जी मुझे अपनी भांजी के बारे में मालूम करना था। अच्छा ठीक है, भांजी का नाम, अम्मी का नाम उनकी और डेट ऑफ बर्थ बता दो जल्दी। जी भांजी का नाम है हीरा इरम, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 88। 18 मई 88 ठीक है, और सुबह 7 से 8 के दरमियान का ठीक है। अच्छा इनकी हीरा की वालदा का नाम भी बता दें। जी उनकी वालदा का नाम है सईदा। सईदा ठीक है जी। सवाल बताइएगा जरा। सवाल ये कि इनकी शादी के बारे में मालूम करना है कि कब तक हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा कि इनकी आने वाली जिंदगी कैसी रहेगी, ठीक, अपनों में होगी या गैरों में होगी, ठीक है, और जैसे कि कहीं बाहर के साइड जाने का इनका बनता है कि नहीं, और लव मैरिज है कि अरेंज, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपका रिपीट टाइम क्यों? 2 बजे रात को रिपीट होंगे। थैंक यू साजिदा, अल्लाह हाफिज़। और जवाब सुनने का व्यूअर्स, हम 2 बजे रात को भी रिपीट होंगे, इसके अलावा इंटरनेट पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, वक्त न्यूज़ पे जाइए और वहाँ ज़बरदस्त लिखिए तो फिर हम ज़बरदस्ती आ देंगे नेट पे। जी अली। वेल सबीन, हीरा इरम शी बिलोंग्स टू अ टोरियन, बुजसौर से रिलेटेड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक है हमारी ये भांजी। यहाँ पर इनके स्टार की पोजिशन बहुत अच्छी है, 7th हाउस में, 7वें घर से हम द हाउस ऑफ मैरिज, द हाउस ऑफ लव, द हाउस ऑफ रोमांस कहते हैं। यहाँ पे इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार जुपिटर एंड मून, दो अच्छे स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अरेंज मैरिज है, कामयाब रहेगी एंड ऑफ दिस ईयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में या फिर 2013 के शुरू के महीने, बहुत मुबारक रहेंगे। अब्रॉड की ट्रैवलिंग है, हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी, मुबारक सफ़र है इनकी ज़िंदगी में, जो भी इस वक्त इनकी पर्सनल विशेज़ हैं वो ऐसा ऐसा पूरी हो रही है। 3rd हाउस इसके साथ बहुत अच्छा है, तालीम का घर, अगर कुछ प्लानिंग है सीखने की, कुछ आगे पढ़ने की, या कोई टेक्निकल काम में महारत हासिल करने की, तो यकीनन कुदरत इनका साथ दे रही है क्योंकि 3rd घर में इनको इसमें सैटर्न बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। 1st हाउस बहुत अच्छा है, शख्सियत, पर्सनैलिटी, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती रहेगी। यहाँ पर इस वक्त इनका 90% स्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर है, थोड़ा सा इंसानी हाथ की तरफ से रुकावटें बंदिशार निकलिए, ग्रीन कलर का सदका दिया करें, ग्रीन एमरल्ड हमारी सिस्टर पहन सकती हैं। फ्राइडे इनका लकी डे है, लकी नंबर इनका 6 है, जुमातुल मुबारक के दिन अगर हीरा खुद से सूरह कौसर, सूरह इखलास एंड सूरह इनाम की अगर कंटिन्यू तिलावत करती है तो इनके लिए 101% मुबारक रहेगा। थैंक यू अली, बहुत तफसील से सारा इस तरह आपने कहा, अली ने मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा तफसील से बता दिया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से?
जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ पेशावर से। जी शहनाज क्या पूछेंगी? जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम बताइए, उनकी तारीख पैदाइश बताइए और अम्मी का नाम बताइए। भाई का नाम शहबाज है। ठीक है। और शानी भी कहते हैं। शानी, शानी भी कहते ठीक हैं। ठीक है। और वालदा का नाम? और उनकी तारीख पैदाइश है 15 अक्टूबर। ठीक है। 1983। ठीक है। और अम्मी का नाम है नाहिद। ठीक है, सवाल बताइएगा। उनकी शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी, और उनके फ्यूचर के बारे में कि आगे कैसा रहेगा, और शादी अपनों में होगी या गैरों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू शहनाज, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुनेगा। और शहनाज के पास टीवी चल रहा था, शुक्र है कि लाइन ड्रॉप नहीं हुई है। वेल अगेन वीनस साइन, क्योंकि यहाँ पे जोरा बुर्ज मिजान से रिलेटेड है शहबाज, लिब्रा जिसम कहते हैं इनका, बिकॉज सेवंथ हाउस अच्छा है, सातवें घर में इनको वीनस, इनका अपना स्टार बहुत ज्यादा फेवर दे रहा है। इनके लिए भी गुड न्यूज ये कि इनका सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ बहुत मुबारक रहेंगे। यहाँ पे इनकी लव मैरिज है, आउट ऑफ फैमिली में कामयाब रहेगी। ट्रैवलिंग है, सफर, बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो जुलाई अगस्त सितंबर इनके लिए बेस्ट मंथ है। इन बिटवीन इनको अच्छे दोस्तों का, अच्छे लोगों का साथ मुयसर रहेगा। जो भी फ्यूचर से रिलेटेड इनकी अपनी पर्सनल प्लानिंग है उसमें ये ऐसा ऐसा कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आफ्टर मैरिज फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ही कैन आल्सो वेयर ओपल या फिर पर्ल पहन सकते हैं। फ्राइडे इनका भी लकी डे है, लकी नंबर इनका भी 6 है। फ्राइडे के दिन अगर ये वाइट कलर में या फिर रेड कलर में सदका देते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। ही कैन एवरी डे डिसाइड सूरह रहमान, सूरह इनाम एंड सूरह बकरा, तीनों सूरतों की अगर शहबाज तिलावत करते बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम तो बेस्ट रहेगा। खुशियां, कामयाबियां आगे निकल रही हैं, नए रास्ते इनके लिए निकल रहे हैं, कामयाबियों की तरफ आगे कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। इस वक्त गो के थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन डिस्टर्ब है, हार्ड वर्किंग की जरूरत है, एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहें। जो भी इनकी पर्सनल विशेज हैं जुलाई अगस्त सितंबर से उसमें इनको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू अली। और जनाब कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? जी मैं शमाइला बोल रही हूँ। जी जी, मेरी बहन है, उसका नाम है फरखुंदा। ठीक है जी। उसकी 21 तारीख दूसरा महीना 1981। 21 तारीख, हेलो, 21 फरवरी 1981। 1981। ठीक है, वालदा का नाम बताइए। जी इरशाद बेगम। सवाल बताइएगा। जी बात ये है कि इसकी शादी कब होगी और कहाँ होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, इसका स्टार कौन सा है और इसका टी कलर क्या है, ये बहुत परेशान रहती है, इसका मसला क्या है और कब तक शादी होगी। ठीक है, अभी बताते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ऑनियर जवाब सुनेगा। आप लोग खाली सिर्फ नाम और बताया करें और खाली क्वेश्चन बताया करें, वो तो आपको पता है पूरा जायशा ही बता देते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बता दिया करें कि जी इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि शादी का या कारोबार का ही हो, तो वो अली ऑल ओवर आपको पता है पूरा जायशा खुद ही बता देते हैं। जी अली। वेल सबीन, हमारी सिस्टर फरखंदा, शी बिलोंग्स टू नेपच्यून जिसे हम पाइसिस मुश्तरी बुर्ज हूद कहते हैं, जोड़ी के सन साइन जुपिटर, लकी नंबर इनका 7 एंड थर्सडे हर लकी डे, सातवां घर अच्छा है, सातवें घर में इनको भी जुपिटर इनका अपना स्टार बहुत ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। 2010 में इनकी मैरिज हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी 2012 के सातवें महीने से यानी कि जुलाई से अच्छा टाइम इनका शुरू हो रहा है। यहाँ पे इनके लिए भी इसमें गुड न्यूज़ ये है कि सातवें घर में इनको जुपिटर इनका जब अपना स्टार फेवर दे रहा है तो इट्स मीन कि एंड ऑफ दिस ईयर तक एंगेजमेंट, बातचीत, निस्बत तय हो सकती है। यहाँ पे इनकी मैरिज भी आउट ऑफ फैमिली में ही निकल रही है जो कि कामयाब रहेगी। तीसरा घर बहुत अच्छा है, तीसरे घर में मार्स सैटर्न इनको बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है, कुछ काम करना चाहें, कुछ कोई भी इनडोर या आउटडोर, कोई भी अपना पर्सनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट या कोई भी लिटिल इन्वेस्टमेंट करके कोई बुटीक या सैलून या गारमेंट्स का अगर काम करना चाहती हैं तो इनका ये बेस्ट टाइम है। एंड मैं समझता हूँ कि अगले 3-5 मंथ के अंदर अंदर इनको खुशियाँ, कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। इनका लकी स्टोन जो है, शी कैन वेयर कॉरल या फिर लैपिस पहन सकती हैं। रेड कलर का सदका दिया करें, सूरह इनाम एंड सूरह कौसर की कंटिन्यू तिलावत करें, बेस्ट रहेगा। इनका लकी कलर इसमें स्काई ब्लू एंड वाइट है। थैंक यू, कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से? मैं वानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी क्या पूछेंगी? मैंने अपनी कजन के बारे में पूछना है। ठीक है, नाम बताइए, उनकी अम्मी का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका नाम है जहरा।
जोहरा नाम है? जहरा। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1st March 1990। ठीक है, वालदा के नाम भी बता दिए। इरम शहजादी। ठीक है, सवाल बताइएगा। इनकी शादी के बारे में पूछ रहे हैं कि कब तक हो जाएगी, फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मारिया, अल्लाह हाफिज, ऑन एयर जवाब सुनेगा। जी अली, वेल अगेन पाइसेस, मुश्तरी, आज पाइसेस डे है फिर। वेल पाइसेस एंड एग्जैक्टली, बिल्कुल वो कंटिन्यू माशाल्लाह। वेल पाइसिस का बेस्ट रहे आज, क्योंकि पाइसिस को यहाँ पे सातवें घर में इनका अपना स्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनके लिए भी गुड न्यूज़ दी है जहरा के लिए कि सातवां घर इनका अच्छा है। सातवें घर में आज जितने भी पाइसिस हैं, हमारी कोई सिस्टर हैं या हमारे भाई हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको मैं समझता हूँ कि जुलाई अगस्त सेप्टंबर से खुशियाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं। बिकॉज वाटर साइन जिसे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकली तौर पर हेल्थ इशू प्रॉब्लम होते रहते हैं, माइंडली तौर पर छोटी छोटी चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती रहती हैं। सदका देते रहें व्हाइट कलर में, अगर ग्रीन कलर में तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। वानिया सातवां घर वानिया का बहुत अच्छा है, लक हाउस बहुत अच्छा है, किस्मत का घर, किस्मत के घर में इनको मर्करी बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है। दो अच्छे स्टार इनका अपना स्टार एंड इसमें मर्करी एंड मार्स, तीन अच्छे स्टार इनको कामयाबियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। पर्सनल विशेज इनकी पूरी हो रही है। शी कैन आल्सो वेयर कॉरल, लेपिस पहन सकती हैं, रेड कलर का व्हाइट कलर का सदका दें, सूर्य कौसर, सूर्य इखलास एंड सूरह अंबिया की अगर ये तिलावत करती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा इनके लिए। थैंक यू अली। और जनाब अली के इस जवाब के साथ ही टाइम हो गया एक कदर से छोटे मिनी स्मॉल ब्रेक का, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में, और इसी के साथ जो है वो कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, हाँ कॉलर कहाँ गायब हो गई है मदी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? नादिया बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हूँ? नादिया जी। नादिया कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा नादिया, आपके पास टीवी सेट चल रहा है जी, उसकी आवाज बंद कर दें, आप फोन पे मुझसे बात करें, टीवी देख के अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। ओके शुक्रिया। कि वो जिस तरह पॉज आ रहा था मुझे इससे अंदाजा हो गया कि वो सब मुझे नहीं, वहां टीवी पे मेरी आवाज सुन के जो है बात कर रही है। हेलो जी नादिया, क्या पूछेंगी? मैंने अपनी शादी के मतलब पूछना है। अच्छा नादिया, अपनी तारीख पैदाइश बताइए और आप अपनी अम्मी का नाम बताइए। 11 दिसंबर। ठीक है, 1980। ठीक है, वालदा का नाम? ताहिरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऑनर जवाब सुनेगा। नादिया थी सियालकोट से ही हमारे साथ, और इनको अपनी शादी के मुतालिक पता करना है। वेल सेजिटेरियस मुश्तरी बुर्ज को से रिलेटेड है। वेल आज माशाल्लाह जुपिटर का दिन है वाकई, इसमें यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजिशन सातवीं घर में अच्छी है, क्योंकि आज जुपिटर से रिलेटेड, पाइसिस से रिलेटेड, मैं समझता हूँ कि द डे ऑफ जुपिटर, टुडे इज़ द डे ऑफ जुपिटर, सातवां घर सबके लिए बेस्ट है। यहाँ पे नादिया जुलाई अगस्त से आपको खुशियाँ मिल रही हैं, अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी पसंद की मैरिज है, लव मैरिज है, जो कि कामयाब होगी। आफ्टर मैरिज एक अच्छी लाइफ गुजारेंगी, हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी, इन लॉज के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला और सातवां घर बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी शख्सियत कोई भी आपको इंशाल्लाह प्रपोज कर सकता है जुलाई बिटवीन दिसंबर, इसमें जुलाई से आपका बेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। वाइट कलर का सदका दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैटरडे आपका लकी डे है, लकी नंबर आपका 8 एंड कंटिन्यू अगर आप सूर्य कौसर, सूर्य इखलास एंड सूर्य वल्लैल, वधूहा वल्लैल की सूरत अगर आप पढ़ती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा इंशाल्लाह। जो भी रुकावटें, जो भी बंदिशात रही हैं 2009 से आपके साथ, तो वो जुलाई से पहले पहले इसी साल इंशाल्लाह खत्म हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? फाखरा बोल रही हूँ। बस मैं पहले ही समझ गई थी, जब इतने जोरदार सलाम हुआ था मैं समझ गई थी कि फाखरा ही हो सकती है। क्या हाल है फाखरा? हेलो, अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही हूँ। अच्छा आज चौरस का नहीं पूछ रही, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। आज चौरस का नहीं पूछ रही, आप बस नाम तो ले लिया ना, फिर अब कोई ना कोई, आपने नहीं पूछा किसी और ने पूछ लेना अब। अच्छा जी फाखरा। हेलो जी जी जी, मेरा ना पता डेट नहीं पता है मुझे अपनी, तो फर्स्ट वीक बताते हैं ना मार्च की, तो पाइसेस बनता है। ठीक है,
कुछ पूछना अलीम से? मदर नेम प्लीज। हेलो फाखरा। हाँ जी। आपको अपने बारे में पता करना है? हाँ। अच्छा ठीक है, ये मुझे बताइए आपका मदर्स नेम क्या और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई काम करूँ तो अपना खुद से करूँ या किसी के अंडर करूँ, कैसा रहेगा? ठीक है, अपनी वालदा के नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। शकीला। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं बता रही हूँ ना, मुझे फर्स्ट वीक मार्च का बताया हुआ, डेट कंफर्म नहीं है। अच्छा डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईयर आपको कंफर्म नहीं है। ठीक है फाखरा, नाम से आपके जो है वो आदत से बता देते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और फाखरा हमारी सबसे ज्यादा रेगुलर और मेरे लिए खतरनाक कॉलर। और माशाल्लाह मुझे खुशी है कि वाकई आज का दिन जुपिटर का है, क्योंकि फे के लोग भी जुपिटर सैजिटेरियस मुश्तरी बुर्ज कॉस यहाँ पे वेल फर्स्ट हाउस अच्छा है फाखरा, इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस पार्टनर किसी के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंडिविजुअली बिजनेस अगर आप स्टार्ट करती हैं तो उसमें प्रॉब्लम फेस करेंगी, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ आपका इसमें बिजनेस पार्टनर किसी को बनाना या बनना बेस्ट रहेगा। जुलाई जून जुलाई से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि अभी अप्रैल है, मई एंड जून, 15 जून या 20 जून के बाद अगर आप कोई भी स्टार्ट लेती हैं, कोई स्टेप लेती हैं जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह कुदरत की तरफ से आपको खुशखबरी कामयाबी मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला घर और नवा घर, नवे घर में आपको यूरेनस बहुत फेवर देगा जुलाई से। इस वक्त आपके दो घर बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट एंड सेवन्थ हाउस, जो भी कोई प्लानिंग है, कोई प्रपोजल भी आ सकते हैं, कोई पर्सनल विश पूरी हो सकती है, एंड जो भी आपकी छोटी छोटी विशेज हैं उसमें आपको कामयाबी मिलती रहेंगी। यू कैन ऑल्सो वेयर मून स्टोन या फिर फिरोजा, दोनों में से कोई भी स्टोन वेयर कर सकती हैं। सफ़ेद चावल, सूजी, आटा, मैदा, इसमें से कोई भी सदका दे सकती हैं सैटरडे के दिन। एवरीडे अगर आप पढ़ती हैं मेरी बहन सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाकिया एंड सूरह निसा, तीनों सूरतें आपको प्रोटेक्ट रखेंगी नज़र बस से, बैड एस्पेक्ट से एंड इवल साइड से, और जो भी आपकी इंशाल्लाह फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग है उसमें आप कामयाब होती रहेंगी। थैंक यू अली। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी आयशा, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपनी भांजी के बारे में पूछना है, उसका नाम है नजमा शीरी। ठीक है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर। ठीक। 76। सही। और इसमें बात यह है कि उसके डेट ऑफ बर्थ मतलब 15 है या 17 है, मतलब ये सही कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसकी मदर का नाम अमतल हफीज है। अमजा अमतल हफीज। ठीक है। अमतल हफीज। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सवाल क्या है आपका? जी मैंने ये पूछना है कि उसकी शादी कब होगी, और अपनों में होगी, गैरों में होगी, और मतलब कौन से टाइम में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आयशा, अल्लाह हाफिज। ऑनर अब जवाब सुनिएगा, देखिएगा भी सुनिएगा भी। जी अली। नगमा शीरी नाम है ना? जी। वेल लिब्रा आज हम जोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं, यहाँ पे नगमा के लिए गुड न्यूज़ है, दिसंबर इसी साल का दिसंबर इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, या थोड़ा सा आगे हम जाएंगे 2012 22 फरवरी या 22 मार्च तक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आउट ऑफ फैमिली में मैरिज, जो कि कामयाब रहेगी बिल्कुल 100%। इस वक्त इनका सेवन्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर के महीने बहुत मुबारक रहेंगे। उपल पहन सकती हैं, पर्ल पहन सकती हैं, वाइट कलर का सदका दें, सूर्य कौसर सूर्य इखलास की तिलावत किया करें, इंशाल्लाह मैरिज इनकी बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। थैंक यू अली। और जनाब इसी के साथ टाइम हो गया एक अदद ब्रेक का, तो बस थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। खुशामदीद, वेलकम, मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में। और आयशा का जो है वो जवाब दिया था ब्रेक से पहले, और अब भी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी फौरन, ये तो मेरा सिक्सर वाला चांस होता ना। यूके से हमारे पास जी आमिर मजीद तैयब है, माँ वालदा का नाम सकीना जान है, और 10/1/68 डेट ऑफ बर्थ है, 10 जनवरी 68। उम्र का इरादा रखते हैं, अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं, और बीवी नेक चाहिए। माशाल्लाह कैप्रिकॉन जोहल बुरजदी से रिलेटेड है आमिर, यहाँ पे इनके लिए वाकई सेकंड हाउस लक अच्छी जा रही है। अब पांचवा घर द हाउस ऑफ चिल्ड्रन फैमिली का वो कंप्लीट हो रहा है, एंड मुबारक सफ़र निकल रहे हैं 2012 के एंड तक, 2013 बहुत मुबारक रहेगा।
मैरिज से रिलेटेड इनको खुशखबरी मिल रही है। 2013 में बिजनेस आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं, बिजनेस में तरक्की, अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें इनको प्रमोशन मिल रही है। यहाँ पे इनके लिए जो बेस्ट टाइम है मई एंड अगस्त, ये दो मंथ बहुत मुबारक रहेंगे आमिर मजीद के लिए। स्टोन ही कैन वेयर मून स्टोन या फिर पर्ल पहन सकते हैं, ब्लैक कीक पहन सकते हैं। ब्लैक कलर का सदका दें एवरी सैटरडे या संडे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कुरेश, सूर्य फील एंड सूर्य फलक की अगर कंटिन्यू तिलावत करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक रहेगा। थैंक यू। और आमिर आपको बता दिया है बहुत तफसील के साथ अलीनी के क्या सदका देना है और क्या स्टोन जो है वो आपने पहनना है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से? मैं कुलसुम अख्तर बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं कुलसुम? मैं टाउनशिप लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, लाहौर से बात कर रही हैं जी, क्या पूछेंगी? जी मेरी जब से शादी है मेरे मियाँ का कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, और मैं बहुत परेशान हूँ। वो सेंट्री का काम करते हैं, वो काम करें या ना करें इसमें आप मुझे पूछ के बताएं। ठीक है, और उससे पहले बिल्कुल ठीक ठाक कारोबार था उनका। ठीक है ठीक है, अपने आप को तो इसमें जो है वो दोषी करार देना बिल्कुल अजीब ही बात होगी। कुलसुम, आप अपने मियाँ का नाम, उनकी तारीख पैदाइश और वालदा का नाम बताएं पहले। मेरा नाम कुलसुम अख्तर है। मियाँ का नाम बताएं? मोहम्मद सलीम। सलीम, ठीक है। सलीम की वालदा का नाम बताइए। अजीजा बीबी। टीवी की आवाज़ बंद कर दें जरा सा, आपकी आवाज़। अजीजा बीबी। ठीक है, अजीजा बीबी। और इनकी तारीख पैदाइश क्या है? उनकी मेरी तारीख, उनकी तारीख बताना बेटा जरा। मेरी प्रदेश है 26/10/1959। ठीक है, ये मेरी है। ये आपकी है। और इनकी सलीम साहब की क्या है? इनकी खैर 1962 है। पूरी पूरी बताएं, पूरी बताओ ना भाई। ओफो, क्या कोई बात नहीं, आराम से चले। हाँ बताएं बताएं, कोई बात नहीं। हाँ जी बस ठीक है, यही है। 1962। मुझे लग रहा है मियाँ बड़े कंट्रोल में, बेचारे पीछे से आवाज आ गई बड़ी शरीफाना। 10वां महीना है जी, पूरी बताएं। 10वां महीना। हाँ जी 1962 10वां महीना। हाँ। आगे भी बता दें। हेलो हेलो सरी, पहले भी तो उन्होंने यही बताई है सभी, पता नहीं क्या बता रही है मुझे। आई थिंक इनकी, इनसे पूछे इनकी है या इनके हस्बैंड की है ये। हेलो कुलसुम, 10वां महीना। कुलसुम आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? आई थिंक इनके हस्बैंड की है। हाँ, मेरा ख्याल है, बता देते हैं बिल्कुल। हां थैंक यू कुलसुम, अल्लाह हाफिज़। ऑनियर जवाब दीजिएगा। और अजीब एक वर्ड होता है ना, खप्पड़ गए, ऐसा कुछ ऐसा तो हो गया था पीछे। मगर आफरीन है कुलसुम कि आपने सलीम साहब को इतने पुरजोर तरीके से जो है वो अभी झाड़ा है, डांट की आवाज़ दी है और उन्होंने इतने मासूम तरीके से पीछे जवाब दिए। तारीख पैदाइश सलीम ने बड़े आराम से बताई है। वेल 1962 स्कॉर्पियो हमारे भाई सलीम, 26/10/1962 हाँ 26 अक्टूबर ना 23 अक्टूबर तक लिब्रा होते हैं, उसके बाद फिर 24 अक्टूबर से स्कॉर्पियो इसमें शुरू हो जाते हैं। और हमारे भाई ही बिलोंग्स टू वाटर साइन, यहाँ पे इस वक्त इनका सेकंड हाउस लग काम नहीं कर रही है, नवा घर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नवे घर में इनको सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इनको कंटिन्यू करते रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो बेस्ट टाइम निकल रहा है वो 25th मई से निकल रहा है। अभी आई थिंक अप्रैल है, नेक्स्ट मंथ से माली हालात अच्छे होंगे। जो भी इसमें हार्ड वर्किंग कर रहे हैं इसका इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब्रॉड की ट्रैवलिंग का चांस लग सकता है, अगर इनको बाहर जाने का कोई मौका मिलता है तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि ये आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाए, क्योंकि यहाँ पे इनको डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ दिस ईयर तक, अक्टूबर या फिर नवंबर दिसंबर तक डेफिनेटली मिल सकता है। अगर ये स्ट्रगल करें, कोई इंटरेस्ट लें बाहर जाने में, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा बाहर जाना। व्हाइट कलर का सदका दिया करें इसमें कुलसुम अपने हस्बैंड का। और हमारे भाई स्टोन ये पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पुखराज या फिर रेड कीक पहन सकते हैं, बहुत मुबारक रहेगा। डेली अगर सूर्य मुजम्मिल, सूर्य वाकिया एंड सूर्य बकरा की अगर ये तिलावत करें तो बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ तस्बीह किया करें, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या रज़ाकू, या नाफियो एंड या वहाबू बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम, तो इंशाल्लाह कह सकता हूँ कि जुलाई से या जून से पहले खुशखबरी मिल सकती है, माली हालात अच्छे होंगे और जो भी नजरबद के एलिमेंट्स निकल रहे हैं तो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू अली। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से?
मैं अंबर साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में मालूम करना था। नाम बताइएगा। नाम है उसका रिमशा। रिमशा, ठीक है। और इसके साथ रिश्ता आया हुआ है, मतलब मेरे चाचू के घर से बचपन से बात तय थी, तो हमें मालूम करना था कि क्या ये शादी कामयाब रहेगी, अपनों में है या मतलब गैरों में होगी तो वो भी कामयाब रहेगी। ठीक, अच्छा ये बताए रिमशा की डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम क्या है। रिमशा की डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई, ठीक है, 1994। और मदर्स नेम भी बताइएगा। मदर नेम फरीदा, ठीक है। और जो अली हैं, मतलब मैं जिनके साथ इनका रिश्ता आया हुआ है उनके बारे में मालूम करना चाह रही हूँ, क्या उनकी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं है, ये मतलब आगे चल के ऐसा कोई मसला तो पेश नहीं आएगा। अच्छा ये बताएं अली की डेट ऑफ बर्थ और वालदा के नाम बताइए। अली की डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1992, ठीक है। और वालदा का नाम नसीमा। क्या नाम है? नजमा। नसीमा। नसीमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑन योर जवाब सुनिएगा। और बड़ा अजीब सवाल किया कि अली की ज़िंदगी में कोई लड़की आई है या नहीं आई है। मेरे ख्याल है कि बीवी अली इतनी ताकतवर होती है कि वो सबको एक क्लीन बोल्ड कर देती है। वेल, बिल्कुल आपने सही कहा, एक अच्छी वाइफ मिल जाए तो उससे बड़ी दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है। एग्जैक्टली अली ने तो जैसे अभी हमें कुलसूम थी हमारे साथ हमारी कॉल जी। वेल ये मतलब मियां को कभी कभी रोब में भी रखना चाहिए, अली आप समझ नहीं रहे। वेल बाय नेम एंड बाय बर्थ बहुत ज़्यादा लकी हैं, बिकॉज रिमशा ल्यू जिसे हम शम्स बुजसद कहते हैं, जॉडिक सेंडर साइन इनका सन, लकीन अमेरिका वन है। यहाँ पे मैं जितनी भी इस वक्त तारीफ करूँ रिमशा के स्टार की कम है, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजिशन सेकेंड हाउस में बहुत अच्छी है एंड सेवंथ हाउस में। बाई नेम लिब्रा है एंड बाई बर्थ ल्यू जिसे हम शम्स बुज असद कहते हैं। यहाँ पे इनकी सेवंथ हाउस अच्छा है, सेकंड हाउस लक इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन के तीन चार घर, जब फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस सातवें घर अच्छा हो और इसमें अच्छे स्टार इनको सपोर्ट कर रहे हो तो इट्स मीन कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। हालांकि वो भी एक अच्छे स्टार से बिलोंग कर रहे हैं, लिब्रा अली साहब, और बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे आफ्टर मैरिज अली रिमशा को अपना लाइफ पार्टनर बना के, जिस फील्ड से भी इस वक्त रिलेटेड है, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आफ्टर मैरिज इसमें बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। एब्रॉड की मुबारक सफ़र इनका निकल रहा है आफ्टर मैरिज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको फ़ायदा होगा, अगर न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू बिजनेस करना चाहेंगे उसमें इनको कामयाबी होती रहेगी। दोनों का पेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पे थोड़े से लिब्रा नो डाउट केस में आपके जो लिब्रा होते हैं थोड़े से रोमांस पसंद होते हैं, रोमांटिक होते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकल रहे हैं, क्योंकि लिब्रा ये दरअसल बिल्कुल खूबसूरती के दिलदादा होते हैं, बहुत ही चमकने वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आफ्टर मैरिज मैं समझता हूँ कि फिर इसमें कोई भी अगर इनकी कहीं चीज़ कोई थोड़ी बहुत निकल भी रही है कोई कहीं भी इंटरफेरेंस, तो मैं समझता हूँ कि वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आफ्टर मैरिज। शी कैन वेयर रिमशा रूबी या फिर येलो सफायर पहन सकती है, संडे के दिन व्हाइट कलर का रेड कलर का सदका दिया करें, सूर्य शम्स एंड सूर्य कमर की तिलावत किया करें। अली का बर्थ स्टोन बनता है ओपल या फिर पर्ल वेयर कर सकते हैं, फ्राइडे इनका लकी डे है, लकी नंबर इनका 6 है, जुमातुल मुबारक के दिन व्हाइट कलर का सदका दिया करें, सूर्य कौसर सूर्य इखलास एंड सूर्य फलक की अगर कंटिन्यू तिलावत करते तो बेस्ट रहेगा इनके लिए। थैंक यू, मतलब अली के लिए कहा जाए कि शादी के बाद चिरागों में रोशनी ना रही। चिरागों में रोशनी माशाल्लाह बिल्कुल, और चिराग रोशन हो जाएंगे यानी कि बहुत चार चांद लग जाएंगे, चार चांद लग जाएंगे एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा सही बात की। और थैंक यू अली, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो हेलो ओ वेल जनाब, टाइम हो गया एक अदद ब्रेक का और ब्रेक से हम फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में, और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहां से? अफशान बात कर रही हूं, इस्लामाबाद से। जी अफशान, क्या हाल है? मैं ठीक हूं, कैसी हैं सबीन आप? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ले अब क्या, ठीक है, थैंक यू। आपने तो एकदम अफशान अटैक कर दिया, मैं तो मैं समझी आप डेट ऑफ बर्थ बता। थैंक यू, सीरियसली आप एज अ होस्ट बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछेंगी?
जी मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना है. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15th March 1961. अम्मी का नाम बताओ. अफशा नाहिद. नाहिद. और ये बताओ कि नानी का नाम क्या है. नानी का नाम था बीबी गुल. बीबी गुल. सवाल क्या है. सवाल ये है कि उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है. वो बच्चों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हैं. तो उनकी यानी फैमिली लाइफ या फैमिली मैटर्स कब तक हल हो जाएंगे. उनकी हेल्थ कैसे इंशाल्लाह ठीक हो सकती है. इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा करे बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला. थैंक यू अफशा ऑन एयर जवाब सुनने का. और इंशाल्लाह जल्दी से जो है वो अफशा की कॉल आया हमारे पास कि सब कुछ सही हो गया. जी अली नहीं नाम बताया ना, मतलब 15 मार्च 61. वेल पाइसिस, वाकई पाइसिस को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू प्रॉब्लम रहते हैं. हमारी ये वालदा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे और यकीनन इनको बहुत जल्द खुशखबरी मिल रही है. बिकॉज पाइसिस मुश्तरी बुर्ज हू से रिलेटेड है जिसे हम जुपिटर कहते हैं. एक तो अफशां सदका दिया करें वालदा का वाइट एंड ब्लैक कलर में, जैसे काले चने या कोई भी राइस वगैरह दे सकती हैं. सूरह रहमान पढ़ के पानी पे दम करके अम्मी को पिलाया करें 5 to 7 Fridays. यानी कि इसमें एवरी फ्राइडे या फिर इसमें एवरी डे भी आप पढ़ के दम करके पिला सकती हैं. मरजान अगर ये लॉकेट फॉर्म में या रिंग फिंगर में 5 to 6 carat का कॉरल अगर पहन लेती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा. यहाँ पे वाकई लास्ट बार 5 to 7 years से हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ सदका देने से, सूरह रहमान पानी पर दम करके पिलाने से एंड मरजान लॉकेट फॉर्म में या रिंग फिंगर में पहनने से बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा. जो भी नेचुरली तौर पे इस वक्त फिजिकली तौर पे इनके साथ हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो जुलाई से इंशाल्लाह बिल्कुल एक हेल्थी लाइफ गुजारेंगी. और जो भी इनकी पर्सनल विशेज़ हैं उसमें इनको कुदरत की तरफ से खुशियाँ कामयाबियाँ मिलती रहेंगी. थैंक यू अली. और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय वीव्स कॉम्बो. ब्यूटीफाई माय लाइफ. अ ब्राइट फ्रीजर एंड फ्रिज टुगेदर. मेरे ख्याल से शायद कॉलर होल्ड भी चली गई थी. आ गई हैं क्या, मतलब किचन में चली गई थी. हेलो. हेलो सलामकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं, कहाँ से. जी मैं सायमा बात कर रही हूँ कराची से. जी सायमा कहाँ चली गई थी. जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है. अच्छा बताइए भाई का नाम बताइए. जी उनका नाम है मीसम रजा. क्या नाम है. मोहसिन. मीसम रजा. मीसम ठीक है जी. और वालदा का नाम है तैयबा खातून. क्या नाम है. तैयबा खातून. ठीक है ठीक है. और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1974 है उनकी. 74 ठीक है ठीक है. उनका शादी के बारे में पूछना है. ये शादी नहीं करते हैं क्या, ये किसी को पसंद करते हैं, वहाँ इनकी हो सकती है. अच्छा किसी को पसंद भी करते हैं ये बताएं. मीसम किसी को पसंद करते हैं. जी जी. तो फिर उस लड़की का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और वालदा का नाम. राशिदा है. क्या नाम है. राशिदा. ठीक है. और उनकी वालदा का नाम है बदर जहाँ. स्कॉर्पियो वाटर साइन एंड राशिदा बाई नेम लिब्रा एयर साइन. मैं समझता हूँ कि इनके दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं. उनको अगर दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनते हैं तो बेस्ट रहेगा. वैसे भी यहाँ पे मेसम रजा का साथमा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसी साल, इनको अगर इनकी मैरिज होती तो इनके लिए बहुत बेस्ट टाइम है क्योंकि यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे. अगर इसी साल के एंड तक दिसंबर तक ये मैरिज करते हैं तो बहुत कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इनका सातवां घर इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है. सातवें घर में इनको इनका अपना स्टार सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. राशिदा का बाई नेम स्टार इनको 100% रास आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे. जो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो बिल्कुल सॉल्व कर लेनी चाहिए और इन्हें राशिदा को अपना लाइफ पार्टनर बना लेना चाहिए क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी. स्टोन इनके लिए मैं तजवीज़ करूँगा रेड अकीक या फिर येलो सफ़ायर. मेसम रजा पहन सकते हैं 5 to 6 carat का रिंग फिंगर में. वाइट कलर का सदका दिया करें. ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कदर, सूरह फतह एंड सूरह नूर की अगर ये तिलावत करते हैं तो 101% इनके लिए मुबारक रहेगा. बाय नेम राशिदा इसमें शी कैन वेयर ये पहन सकती हैं ओपल या फिर पर्ल. फ्राइडे इनका लकी डे है. जुमे के दिन अगर ये सदका देती हैं वाइट कलर में तो बहुत मुबारक रहेगा. अगर ये भी सूरह निसा सूरह नूर एंड सूरह इनाम की कंटिन्यू तिलावत करती हैं बिफोर आफ्टर दूद इब्राहिम तो 100% के लिए मुबारक रहेगा.
थैंक यू अली। और सहमा आपने सुना कि अली ने कितनी तफसील से बता दिया, तो मतलब शादी इनको बहुत अच्छी और आस आएगी। बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना क्यों इतना डिले कर रहे हैं। अगर कोई रुकावटें हैं, इनके घर वाले एग्री नहीं हैं, तो अब तो मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। हाँ, अगर इनका स्टार ना मैच कर रहा तो फिर मैं इनको एडवाइस देता कि प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई राशिदा के घर में से भी कोई रुकावट है, तो अगर मेसन माशाल्लाह बरसरे रोजगार है, अच्छा लड़का है और माशाल्लाह इसमें राइट्स दे सकता है आफ्टर मैरिज वाइफ के, अपने पेरेंट्स के, अपने इसमें हक हकूक अदा कर सकता है, तो नो डाउट मैं समझता हूँ कि दोनों एक दूसरे के अच्छे। तो फीस जमाना अली इतना नफसा नफसी और इतना जो इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज और ये वो इतने सारे हैं कि मैं कहती हूँ बेहतर रिश्ता तो शायद हाथ से जाना ही नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। और फिर माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी मेसन भी काफी मेकअप में 35-36 के तो हो गए, 74 के, तो कर लेनी चाहिए अभी इन्हें शादी, इनको 37-38 के करीब है। वेल जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं कराची से ज़ैनब बोल रही हूँ जी। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था जी। हेलो, हेलो, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था अपने भाई के बारे में। ठीक है, और भाई की डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1988। ठीक है, और मुझे इनके करियर के बारे में, एजुकेशन के, शादी के बारे में, एवरीथिंग सब कुछ पूछना है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताइए भाई का नाम और भाई का नाम हमजा तौफी, और अम्मी का नाम फौजिया खुर्शीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, उन्होंने जवाब सुनेगा, थैंक यू। ज़ैनब ने पता नहीं क्या सवाल पूछा, इतना घुमाया ज़ैनब ने। हमजा तौकीर 6 अप्रैल, ही बिलोंग्स टू एरीज, मुरीक बोल शामा से रिलेटेड है। यहाँ पे इस वक्त इनका स्टार की पोजीशन सेकंड हाउस में अच्छी है, लक इस वक्त इनकी काम कर रही है। अगर ये कुछ इनके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई प्लानिंग है, जो भी इनका एम ऑफ लाइफ है, तो इनको अभी इंप्लीमेंट करने का टाइम है, इन्हें कुछ करना होगा, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे लक इसकी इनका साथ दे रही है। कोई भी बिजनेस करना, ट्रैवलिंग करना, जॉब से रिलेटेड अगर कुछ थोड़ा सा ये हार्ड वर्किंग करते हैं, कुछ स्टेप उठाते हैं, तो 100% कामयाब रहेंगे। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी वाइज, शख्सियत के हवाले से, कुदरत की तरफ से इनको ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, अच्छे लोगों का साथ रहेगा। एब्रॉड से रिलेटेड भी कुछ ट्रैवलिंग इनकी लाइफ में निकल रही है। मैं समझता हूँ कि अगर बाहर का कोई इरादा करते हैं, बाहर जाने का, तो उसमें भी इनको अगस्त सितंबर तक कामयाबी मिल सकती है। कंटिन्यू सदका देते रहें, जो भी इनकी रुकावटें थोड़ी सी जो कि ना होने के बराबर है, 20-25%, तो वो रेड कलर का सदका देने से दूर हो जाएंगी। मरजान पहन सकते हैं, लाजवर पहन सकते हैं, यमनी अकीक पहन सकते हैं, तीनों में से कोई भी स्टोन अगर ये वेयर करते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। अगर ये एवरीडे सूरह मुजम्मिल, सूरह वाकिया एंड सूरह बकरा की अगर तिलावत करते हैं बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम, तो 100% जो भी रुकावटें, जो भी बंदिशात हैं, उनसे ये सेफ रहेंगे और आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे। थैंक यू अली। और एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, हेलो, कॉलर कहाँ चली गई। चलिए जी, मेल पे आ जाते हैं। और मेल है हमारे पास, नाम है सैयद राफे, वालदा का नाम है आसिया, और डेट ऑफ बर्थ इनकी है 23rd of October 1997। और एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बता दें, वेल लिब्रा, ही बिलोंग्स टू लिब्रा, थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, तालीमी काबिलियत में इजाफा रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये तालीम से रिलेटेड कोई भी थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, या जो भी अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं, 100% एजुकेशन लेवल इनका हाई रहेगा और वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो इनकी प्लानिंग है, जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ इनको कुदरत की तरफ से मिलते रहेंगे। लेकिन ये कि तालीम की तरफ ही फोकस रखें, 100% इनको यहाँ पे थर्ड हाउस में इनका अपना स्टार वीनस इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर में अच्छे बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि फिनेंशली तौर पे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ओपल पहन सकते हैं, पर्ल वेयर कर सकते हैं, फ्राइडे का लकी डे है, जुम्मा के दिन अगर ये सदका देते हैं वाइट कलर का, एंड सूरह इनाम, सूरह रहमान एंड सूरह वाकिया की अगर कंटिन्यू तिलावत करते हैं बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम, तो नजरे बस से बंदिशात से सेफ रहेंगे एंड कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे। थैंक यू अली। और इसी के साथ जनाब शो का टाइम हो गया तमाम, इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी साथ खैरियत के पीर के दिन मंडे को। वेल जनाब व्यूअर्स, आप लोगों से भी जो है वो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और हम मंडे को तो आपको पता है ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, दो दिन के रेस्ट के बाद आते हैं। और ये कि जी अलविदा, खुदा हाफिज़, और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा।